अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है छोटे बच्चों में अचानक से पेशाब का रुक जाना, दर्द फील करना। ये याद रखें, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बच्चे शीरखार हैं, दूध पीते हैं, जिनकी एज 2 साल से कम है। अचानक से बच्चे को तकलीफ शुरू हो जाना, ऐसे होता है जैसे पेट में दर्द हो रहा हो, लेकिन पता उस वक्त वालदा को चलता है या वालदा को या पेरेंट्स को उस वक्त पता चलता है जब बच्चे का पेशाब रुक जाता है, दर्द बच्चा बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे को पेशाब नहीं आ रहा। वालदैन तो साफ ज़ाहिर परेशान होते हैं, क्योंकि उनका यूरिन का मसला होता है, बच्चों का पेट में दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चे का यूरिन का मसला है, तो ऐसी सूरत में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले उसकी टाइमिंग देख लें कि कितनी देर बाद बच्चे ने पेशाब किया है और कितना वक्त गुजर गया है कि दोबारा बच्चे ने पेशाब नहीं किया, उनका यूरिन का मसला जो है ना वो बना है या नहीं। सबसे पहले आप देखें, अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, साथ वोमिट वगैरह है, तो आप उसे पेट दर्द की मेडिसिन देंगे। आपने जस्ट ऐसे नहीं करना कि इसके पेशाब का मसला है या यूरिन का मसला है। तो सबसे पहले आप उसके किसी डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवा लें, तो या बेहतर तो है आप किसी अपने करीबी डॉक्टर को जो इस मसले को जानता हो, समझता हो, प्रैक्टिशनर हो, आप उसे चेक करवाएं। तो उसके बाद अगर फिर भी डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी है, तो आप बच्चे का जो है ना पेट का दर्द तो मसला हल हो गया है, लेकिन वो यूरिन का मसला है वो नहीं आ रहा। अगर ऐसी सूरत में को प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप वो डॉक्टर साहब को वो बताएं कि इसने पेशाब भी नहीं किया और इसके पेट में दर्द है या वोमिटिंग वगैरह है, तो उसका प्रॉपर आप इलाज करवाएं। अगर दोनों सूरतों में बच्चा ठीक है, उसके पेट में दर्द भी नहीं हो रहा, वोमिटिंग भी नहीं हो रही, मसला सिर्फ यूरिन का है, तो आपने सबसे पहले जो है ना आप उसकी टाइमिंग नोट करें कि कितनी देर बाद बच्चा का यूरिन करता है। अगर ऐसा मसला है, बच्चे ने सुबह से शाम तक यूरिन नहीं किया, तो वो रो रहा है, तो आपने जस्ट सिर्फ एक दवाई लेनी है, उसका नाम है एकोनाइट। वो किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी। एकोनाइट का सिर्फ 1 ml आपने उसकी पोटेंसी लेनी है, चंद चम्मच या 1 चम्मच या 2-4 चम्मच आपने पानी लेना है। पानी को सबसे पहले आप गर्म करें, गर्म करने के बाद जब पानी नॉर्मल हो जाए, तो उस वक्त आपने सिर्फ जस्ट एक कतरा एकोनाइट 1 ml उस पानी में डालकर, 2-3 चम्मच पानी डालकर बच्चे को पिला दें। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका यूरिन का जो बच्चे का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह ये ज़रूर एक बार आजमा कर देखें। मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, बच्चों का मसला होता है, छोटे बच्चे जो दूध वगैरह पीते हैं। इंशाल्लाह पहली डोज से आज तक दूसरी डोज मुझे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आप ज़रूर आजमाएं, मैं अपनी क्लिनिक पे यही देता हूँ। इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट ना आया हो, अदरवाइज कोई और रीज़न ना हो। तो अगर कोई और रीज़न है, कोई ऐसा मसला है जैसे कि आपने खतरा कराया बच्चे का, उसकी वजह से अगर दर्द फील कर रहा है, तो वो और एक रीज़न है, उसमें आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप एक ब्रूफन वगैरह सिरप लेकर वो दे सकते हैं। अगर बच्चे में इन्फेक्शन है, आपने खतरा करवाया है, तो बच्चे का अगर कोई उसमें कोई मसला आ रहा है या इन्फेक्शन है, दर्द है, तो फिर वो आप अपने डॉक्टर से करीबी से मशवरा कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक ले लें या कोई पेन किलर वगैरह सिरप, जैसे पेन किलर सिरप आप ब्रूफन वगैरह ले सकते हैं, वो आप लाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो मैंने अलामतें बताई हैं, अगर जस्ट आपके बच्चे का मसला यूरिन का है, वो उसमें से 6 घंटे गुजर गए हैं या 5 घंटे गुजर गए हैं, क्योंकि बच्चा तो हर 2 घंटे बाद जो है ना यूरिन जो है वो पास करता है, तो अगर ऐसी सूरत में आपके बच्चे के साथ कोई मसला हो रहा है, तो आप एक बार ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आपको घर पे इलाज मिलेगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एकोनाइट मेडिसिन लें, एक कतरा उसमें जो
ना 3 चम्मच पानी लिए, 1 कतरा उसमें डालकर आप पिलाएं। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में आपके बच्चे का जो मसला है यूरिन का वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।